लालच भी आई थी, लोगों ने ये भी बताया था कि एक एक साल में 30 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख कमा रहे हैं। आनंद आता है ना, वो आपको वहाँ बैठ के नहीं मिल सकता। बोले कि एक महीने में भी आने वाली है, तो हमने भाई गाय के फीचर्स पसंद आया, उसका ये क्या कहते हैं पिछला रिकॉर्ड अच्छा लगा, तो हम लोग ने ले ली। पर जब घर पे लाए, फार्म पे लाए ना, तब पता चला एक महीने में भी आने नहीं वाली, एक महीने की ही हुई है प्रेग्नेंट। दोस्तों आप मेरे पीछे जो एक गिर नस्ल की गाय देख रहे हो और साथ में अंजलि मैडम, तो इन्होंने गिर गाय का पालन किया हुआ, तो पहले सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि ये कौन से क्षेत्र में इन्होंने ये गाय पालन किया, और दूसरी सबसे बड़ी जो बात इनसे मैं पूछने वाला हूँ आज कि गिर गाय पालन या डेयरी फार्मिंग, इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया भी खासकर यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो होती हैं उन वीडियो को देखकर ये फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस फार्म को करने के पीछे क्या क्या चैलेंज आते हैं, वे सारे रियल एक्सपीरियंस है मैडम से आज हम जानना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। नमस्कार जी। नमस्ते। जय गो माता। जय गो माता। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज अपना नाम बता दीजिए आप। हेलो, मैं अंजलि रांका हूँ और पेथापुर में हमारा फार्म है मऊड़ी रोड के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो अंजलि जी एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने ये गिर गाय पालन किया, तो इस गाय पालन को या कोई भी डेयरी फार्मिंग जो हम करते हैं आपने शुरू किया, उससे पहले यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो देखी कि नहीं देखी, वो पूछना चाहूंगा एक बार। सी बेसिकली मैं तो बायोलॉजी टीचर हूँ। अच्छा, और 11 12th में बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो लास्ट 14 ईयर से मैं टीचिंग में ही थी। फिर ये कोविड आया और सब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए, तो मेरे लिए वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था बच्चे और घर में सेट करके कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ। और मीनवाइल हमारे घर में भी थोड़ी मेडिकल इश्यूज आए थे, उस वजह से फिर मैंने सोचा कि हम हमारी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने लिए गाय लाते हैं। पर फिर अपने लिए एक गाय रखना तो प्रैक्टिकल था नहीं, और फिर हमने सोचा कि जब अपने लिए ला रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट मिले और अच्छी चीज़, अच्छी हेल्थ और अच्छा हेल्दी फूड मिले, इसके लिए हमने सोचा थोड़ा लार्ज स्केल पे करते हैं। सो हमारा मेन फोकस तो था कि मिल्क प्रोवाइड करें, और मिल्क के साथ साथ उनको, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये भी हम प्रोवाइड करें। बट मिल्क के साथ सब्जी और फ्रूट डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मिल्क जो है वो टाइम से पहुँचना चाहिए, राइट? तो ये सब शुरू करने से पहले 6 मंथ्स जब कोविड था और कंप्लीट लॉकडाउन था, तो 6 महीने हमने यूट्यूब ही देखा है। अच्छा, हमने यही सब सर्च किया कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और हमको थोड़ी लालच भी आई थी, लोगों ने ये भी बताया था कि एक एक साल में 30 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख कमा रहे हैं। बट वो जब मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता चला कि इतना ईजी नहीं है। आप ऑफिस में बैठ के जो अर्निंग करते हो वो यहाँ पे फील्ड में बैठ के होती ही नहीं है, राइट? बट जो आनंद आता है ना, हाँ, वो आपको वहाँ बैठ के नहीं मिल सकता, उसका कंपैरिजन नहीं, नहीं उसका कंपैरिजन नहीं है, राइट? तो हमने जब ये शुरू किया था तो हमारा फोकस ये था कि मिल्क डिलीवर करना है क्लाइंट को। बट उसके लिए जो काउस की साइकिल है, गाय माताओं का, गाय माता 6 महीने ही दूध देती है, उसके बाद धीरे धीरे उनका कम हो जाता है, वो फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो कम तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक ही हमें मिल्क मिल सकता है। तो हमारा ये था कि भाई गाय की दूध की साइकिल मेंटेन करने के लिए गाय बढ़ानी रहेगी, राइट? तो हमने ये शुरू किया। पर जो यूट्यूब पे हमको बताया है कि ये इतना इजी है कि ऐसे खेती में इतना मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, वो सब फेक है, कुछ रियल होता नहीं। एक्चुअल एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आके फील्ड में ही पता चलता है, रोज इतनी छोटी छोटी चैलेंजेस आते हैं। हाँ हाँ, शुरू से बताओ एक्चुअल एक्सपीरियंस आपके क्या रहे गाय लेके आने से और फिर इसको डेली रूटीन में चलाने से, वो सब भी बताओ ताकि सभी को सच्चाई पता चल सके। सबसे पहले तो शेड बनाना, तो अलग जैसे सीजन चेंज होता है वैसे ही शेड में भी हमें चैलेंजेस आए। जैसे गर्मी बहुत है तो अब गर्मी इतनी लग रही है तो हमारा पहले जो दिखा दिया होगा कि सस्ता शेड ऐसे बनाए तो आप उसके ऊपर चले गए होगे, लेकिन उसमें ये नहीं बता पाते अभी भी हम लोग है ना शेड में एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ऐसा बोले तो चलेगा। क्योंकि पहला जो हमने शेड बनाया था वो पूरा हमारा ये पत्रे का था,
बहुत ऊंची हाइट हमने रखी थी, पर गर्मी में वो तप जाता था। फिर अगला नेक्स्ट शेड जो हमने बनाया वो उसमें हमने वो बांबू का बनाया और उसके ऊपर हमने ये डांगर के पूड़े डाल के वो किया, तो बारिश आई तो बारिश में वो सब पूरा, और ये गाय बहुत एक्टिव होती, बहुत एनर्जेटिक होती है, तो वो तो उसको ऐसे ही तोड़ देते हैं। और वेदर कंडीशंस भी इतनी वेरी होती रहती है ना कि ये सब मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा शेड टूट गया बारिश के टाइम पे, इतना तूफान वगैरह है, और गाय तो उनके सींग उनको खुजली करने के हिसाब से भी वो तोड़ देती है उसमें सींग डाल के। मतलब और पहला चैलेंज आपके सामने शेड का आया, हाँ। तो इस बात को मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र के हिसाब से चारों तरफ घूम फिर कर फिर देखें कि आपके क्षेत्र में कौन सा शेड सबसे अच्छा रहेगा, और फिजिबल भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अब जैसे हमारे यहाँ पे डांगर के पूड़े सस्ते मिलते हैं, वैसे ही आपके क्षेत्र में क्या चीज मिलती है उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, और वो भी आपको सोच के बनाना पड़ेगा कि भाई कितने कौन से सीजन में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो सब सोच समझ के फिर करना पड़ेगा। तो अभी तो हम भी खुद सीख ही रहे हैं, हर सीजन वाइज हमें नए नए वेरिएशन करने पड़ते हैं, तो वो सब सोच समझ के करना। वैसे ये जो गिर गाय है वो, और अपनी देसी गाय जो भी होती है वो कैसी होती है, वो बहुत रेजिस्टेंट होती है, वो हर सीजन है, जैसे इनको निलाने धुलाने की जरूरत नहीं है। तो जो HF का शेड होता है उस तरह के शेड की हमें कोई जरूरत नहीं है, स्प्रिंकलर्स या पंखे या वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पर इनको कैसा है कि खुले वाड़ी की ज्यादा जरूरत होती है, तो अपने जो भी बना रहे हाँ रात के टाइम पे वो शेड में गमन में रहे वैसा होना चाहिए, बाकी टाइम खुले में रहे वो चीज का ज्यादा ध्यान रखना। चैलेंज था। हाँ। दूसरा जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपके पास कितनी गोमाताएं हैं? 80 प्लस है। तो आपने शुरुआत में कितनी खरीदी? दो खरीदी थी, दो से शुरू किया था, पहले दो लाए, फिर उसके 15-20 दिन बाद और दो लेके आए, दो लेके आए। जैसे क्योंकि हम लोग का एज आई टोल्ड यू कि हमारा फोकस था मिल्क डिलीवर करना, राइट, तो मिल्किंग काउज हमें चाहिए थी, तो जैसे जैसे हमें मिल्किंग काउ मिलती रही उस तरह से हम लोग लेते रहे। पर हमने इनिशियल जो भी लिए थे वो हम नॉर्मल रेंज के ही ले रहे थे। यही पूछना चाह रहा हूँ कि गाय खरीदने में भी कोई चैलेंज आया क्या, क्योंकि उसमें हाँ, भी बड़ा धोखा और बड़ा झूठ चलता है। बहुत उसमें कैसा है कि भाई कई बार हमको कई जैसे 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 हम आगे ज्यादा होती गई, तो अब जैसे लेने जाते तो बोले कि एक महीने में भी आने वाली है, तो हमने भाई गाय के फीचर्स पसंद आया, उसका ये क्या कहते हैं पिछला रिकॉर्ड अच्छा लगा, तो हम लोग ने ले ली। पर जब घर पे लाए फार्म पे लाए ना, तब पता चला एक महीने में भी आने नहीं वाली, एक महीने की ही हुई है प्रेग्नेंट। तो ऐसे भी हमारे साथ बहुत सारे ये हुए हैं। जो भी हम गाय खरीदते हैं उसके पहले हम उनके सारे टेस्टिंग करवाते हैं, ब्रुशेला टेस्ट और ये सब करवा के, क्योंकि पहले एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि ब्रुशेला वाली गाय हमें मिल गई थी, तो फिर ये तो पूरा हर्ड खराब हो जाएगा, तो इसलिए सारे टेस्टिंग करवा के फिर हम लेते हैं इसलिए। और हम गाय बेचते नहीं हैं क्योंकि हम खुद अभी उनको परख के खरीदने में ही लगे हुए हैं, तो गाय हम अभी सेल नहीं करते हैं, हम अभी खरीद ही रहे हैं। दूसरा चैलेंज गाय खरीदने का है, तो उसके लिए जागरूक रहना चाहिए, और सोशल मीडिया के ऊपर जो 20 किलो की गाय 25 किलो की गाय होता ही नहीं है। दूध कितना लाना है वो आपके में ही है। उनको अच्छा खिलाएंगे, अच्छे ओपन वाड़े में रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, और नेक्स्ट नस्ल अच्छी बनानी है तो 2 आंचल का दूध उसके बच्चे को देंगे, तो अपने आप अगर नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी तो अपने आप आपका फार्म अच्छा चलेगा, राइट। तो ये तो अपने ऊपर ही है कि उसको कितने लीटर तक हमें ले जाना है, वो हमारे ऊपर ही है। और तीसरी बात, अब बात आई दूध आपने पैदा कर लिया, आप गाय भी ले आए, दो चैलेंज आपने पार कर लिए, तो दूध को बेचने में प्रॉब्लम है या उसके रेट में प्रॉब्लम है या उसके प्रोडक्ट बेचने में, वो भी कोई चैलेंज है क्या? वो भी थोड़ा बहुत सा? बहुत बड़ा चैलेंज है सिटी जैसी जगह में। अब जैसे इतना बड़ा फार्म आपको चाहिए तो वो तो सिटी में मिलना ही नहीं है, तो यहाँ से सिटी तक पहुँचाना वो भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि मिल्किंग जो होती है वो 3:30 को हम शुरू करते हैं, 4:30 तक हमारा मिल्किंग होता है, 5 बजे हमारी गाड़ी यहाँ से निकलती ना, तो भी हमारे सुबह सुबह इतने टेंशन होते हैं ना कि दूध टाइम से नहीं पहुँच रहा है, ट्रैफिक होता है, हाई राइज बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग में लिफ्ट फ्री नहीं मिलती है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले होते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, और हमारा क्या दूध हम ग्लास बॉटल में देते हैं, तो ग्लास बॉटल में मिल्क देते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ से एम्प्टी बॉटल कलेक्ट करना और वापस फूटे नहीं करे नहीं, वो सब ध्यान रखना, और फिर उसकी सफाई का हाइजीन का ध्यान रखना, वो हम
क्लाइंट को बोलते ही हैं कि आपको बॉटल सुखा के देनी है, बट फिर भी कई लोग क्या होते हैं कि जैसे अभी यूज किया ना तो अभी दूध आया ना, तो जरूरी नहीं है कि सारे तभी गर्म करें, थोड़ा रखा हुआ होता है तो सुबह खाली किया तो बॉटल में दूध रह जाता है। अब वो बॉटल आज कलेक्ट हुई ना, नेक्स्ट डे हमारे फार्म पे आती है, ठीक है, तो उस चक्कर में उसको मेंटेनेंस बहुत है, मतलब ग्लास बॉटल का इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें हाइजीन होना बहुत जरूरी है। वहां से हम ड्राई उनको बोलते हैं कि आप रिंस करके खाली उल्टा कर दो, यहाँ पे आके वॉशिंग तो हम सब खुद कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड मतलब से ये भी एक चैलेंज है। हाँ, ये भी बॉटल में मिल्क प्रोवाइड करना इजी नहीं है, डिलीवर करवाना, वापस बॉटल कलेक्ट करके लाना, रस्ते में कितनी बॉटल फूटती है उसका तो हम लोग अभी तक कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए। अब सबसे लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप इस काम को कर रहे हैं, भावनात्मक संतुष्टि हो सकती है या आपने जिस भी मानसिकता से इसको शुरू किया था, एक आनंद तो इन माता ही आता है, तो अब आपसे जानना चाहूंगा कि एक दिन के 2 लाख कमाए कि 50 लाख कमाए, इसमें कितनी सत्यता है वो बता दीजिए प्लीज। हाँ, एक दिन में क्या 2 क्या 5 लाख खर्च कर सकते, कमा नहीं सकते। कमा नहीं सकते, ठीक तो वो तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, हाँ, पर ये है कि अगर हम गाय माता की सेवा अच्छी करेंगे ना तो हमें दुखी नहीं होने देगी, कहीं ना कहीं सोर्स से इनकम हो जाएगी। नो डाउट उनके पीछे एक्सपेंडिचर बहुत है, उनके फीड का, उनके मेंटेनेंस का, उनके रहने करने का, ठीक है, लेकिन अगर गाय माता पूरी इटसेल्फ इज अ यू नो हर चीज से वो इनकम देती है, जैसे उनके गौमूत्र से है, उनके गोबर से है, उनके दूध से है, दूध के इतनी प्रोडक्ट्स बन रही है। तो अंजलि जी, ये जानना चाहूंगा अंत में इस सारी बात का निष्कर्ष कि ये काम करने जैसा है या नहीं है, वो थोड़ा सा बताओ एक बार। देखो, अपने देश को और अपने आप को इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से अपना इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, अपना जो बायोस्फीयर है वो सब साइकिल में चलता है, अगर इसमें एक भी जगह पे वेब में डैमेज हो जाएगा, जैसे मच्छरदानी है और उसमें एक जाली भी टूट जाए तो उसका काम खत्म हो जाता है, सेम वही हुआ है, हमारे इकोसिस्टम में ब्रेकेज हो गए हैं, सारी जो फूड चेन्स है, फूड वेब है, वो सब टूट गए हैं। तो अगर हमको अपने आप को बचाना है तो इनका सहारा तो लेना ही है। देखो, गौ माता को रखेंगे तो वो पूरी प्रकृति की साइकिल को वापस रिजुविनेट करेगी, गाय से गोबर मिलता है, गोबर से वापस सॉइल को नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है, तो हमारे फूड प्लांट्स जो भी सॉइल इरोजन हो गया है या सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई है, वो सब इनके थ्रू ही होगा। तो कई सारे हमने यूट्यूब में बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी हैं, ऐसा नहीं है, आज कितने लोग हैं जो दूध के बेसिस पे गायों को नहीं रखते हैं, वो गोबर और गौमूत्र के बेसिस पे खेती करते हैं और उनसे ही अपने फार्म को चला रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। नो डाउट मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर हाँ, इसकी ज़रूरत बहुत है। अगर अपने आप को बचाना है और अपने साइकिल को वापस कंटिन्यूस रखना है, इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने अंजलि मैडम का अनुभव जाना कि गाय पालन हमें करना चाहिए, लेकिन YouTube के ऊपर देखकर कि एक दिन में 2 लाख कमाई, 5 लाख कमाई, 10 लाख कमाई, उसके पीछे हमें अंधा होकर इस काम को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर एक एक चीज को हमें देखना चाहिए कि हमें कैसे शेड की जरूरत है, हमें गाय कैसे खरीदनी है, और फिर जो हमारा दूध और दूध के उत्पाद है उसकी मार्केटिंग हमें कैसे करनी है। प्रैक्टिकल हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित ही एकदम हम अमीर इसमें नहीं हो सकते, लेकिन इस काम को करने की ज़रूरत भी है। तो आप इस काम को बारीकी से एक एक चीज़ समझकर कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। और एक संतुष्टि की जो इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई थी कि यहाँ पर इनके साथ काम करके जो खुशी मिलती है वो पैसों से नहीं मिल सकती, तो आप इस वीडियो का मतलब क्या समझ पाए कमेंट में जरूर लिखना। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, जय गोपाल।